हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक करी। इस वीडियो का टॉपिक है विंडोज़ पैकेज मैनेजर विनगेट। विंडोज़ पैकेज मैनेजर एक कमांड लाइन टूल है जिसको यूज़ करके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हमको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है, हम सर्च इंजन पर जाकर उस एप्लीकेशन को सर्च करते हैं। सर्च इंजन से हमें कुछ वेबसाइट्स मिलती हैं, उनमें से किसी एक वेबसाइट से हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर डाउनलोड हुई फाइल को रन करते हैं। रन करने से एक विजार्ड ओपन होता है। विजार्ड में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको हमको सिलेक्ट करना होता है, क्लिक करना होता है। वो करने के बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का ये जो प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अभी विंडोज़ पैकेज मैनेजर नाम से जो टूल माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, उसको यूज़ करके हम सिंगल कमांड में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने कभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस टाइप के टूल्स पहले से ही अवेलेबल है। इन कमांड लाइन टूल्स के ज़रिए आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने ये नया टूल लॉन्च किया है, ये काफ़ी कूल फीचर है और मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी पसंद भी आएगा। विंडोज़ पैकेज मैनेजर को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 के लिए लॉन्च किया है। हालांकि विंडोज़ 10 की लेटेस्ट बिल्ड में अभी तक ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी डेवलपमेंट फेज में ही है। लेकिन फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस एप्लीकेशन को गिटहब रिपोजिटरी में होस्ट किया हुआ है। वहाँ से हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके देखेंगे कि हम कैसे एक सिंगल कमांड के ज़रिए किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में आपने देखा कि हम कैसे अपने कंप्यूटर में विंडोज़ पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि विंडोज़ पैकेज मैनेजर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ पैकेज मैनेजर एक कमांड लाइन इंटरफेस है, इसलिए इसको यूज़ करने के लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट कमांड प्रॉम्प्ट या माइक्रोसॉफ्ट पावर शेल को यूज़ करना होगा। आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस एप्लीकेशन को एलिवेटेड मोड में ही ओपन करें। एलिवेटेड मोड में एप्लीकेशन को ओपन करने का मतलब है कि आप उस एप्लीकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ ही ओपन करें, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो विंडोज़ में आपने देखा होगा जब भी आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको वो इंस्टॉलेशन एडमिन लॉगिन के ज़रिए करना होता है। अगर आप एडमिन लॉगिन के ज़रिए इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करते हुए उस एप्लीकेशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है और फिर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है, इसलिए हमको बीच में पासवर्ड प्रॉम्प्ट ना करना पड़े, इसलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में लॉन्च करेंगे। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विनगेट कमांड हमको क्या क्या ऑप्शन देती है। इसके लिए हम एक सिंपल विनगेट टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर विनगेट कमांड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनसे क्या क्या होता है
यहाँ पर सब मेंशन है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि विनगेट सॉफ्टवेयर पैकेज से हम कौन कौन से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है विनगेट स्पेस इंस्टॉल। विनगेट स्पेस इंस्टॉल कमांड को रन करने से हमारे सामने काफी लंबी लिस्ट जिसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है अवेलेबल हो गई है। ये सब एप्लीकेशंस जिनमें मोस्टली ओपन सोर्स एप्लीकेशंस हैं। इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज पैकेज मैनेजर के जरिए। आइए अब हम इनमें से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है विनगेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस नेम ऑफ द एप्लीकेशन। इस ऊपर लिस्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आप कॉलम देख रहे हैं वहां पर जो नेम है वो एप्लीकेशन का नेम है। तो सपोज हम ये टेक्स्टिफाई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारी कमांड होगी विनगेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस टेक्स्टिफाई। हम एंटर करेंगे। अब यहां पे प्रॉम्प्ट आया है कि फाउंड टेक्स्टिफाई। एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा, काफी छोटा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन वेरीफाइड हो चुका है और ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। बिकॉज हम एक सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वहां से इंस्टॉल करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट इंश्योर करता है कि आपके सिस्टम में कोई मालवेयर इंस्टॉल ना हो जाए। इसके लिए वो एप्लीकेशन को एक सिक्योर हैश के जरिए वेरीफाई करता है। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, वेरीफाई होके इंस्टॉल हो चुका है। अभी अभी आपने इस डेमो में देखा कि विंडोज पैकेज मैनेजर को यूज करके हम अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे किसी एप्लीकेशन को साइलेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। जो कमांड्स हमने डेमोंस्ट्रेशन में आपको दिखाई हैं उनके अलावा भी कुछ और कमांड्स विंडोज पैकेज मैनेजर में अवेलेबल हैं, जैसे विनगेट स्पेस सर्च स्पेस नेम और विनगेट स्पेस शो स्पेस नेम। आप विंडोज पैकेज मैनेजर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए और इन कमांड्स को रन कीजिए। आपको क्या आउटपुट मिला ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।